शैल्य, यानी हम लोग संधि के बारे में आज पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़, संधि का अर्थ होता है जोड़, इसे मेल भी कहा जा सकता है। यानी जब दो या दो से अधिक शब्दों का आपस में मेल होता है तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर एक हो जाता है। जैसे अगर लिखा हुआ है विद्यालय, विद्यालय, यानी इसमें दो शब्द मिले हुए हैं आपस में, पहला है विद्या प्लस आलय। यानी जब इसको हम लोग मेल इसका जब किए हैं तो यहाँ का आ और यहाँ का आ मिल करके संक्षिप्त रूप एक आ हो गया है, दोनों आ मिलकर एक आ बना हुआ है। यानी मेल करने पर ये पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिल करके एक हो जाता है, इसे हम लोग कहते हैं संधि। यानी संधि के तीन भेद होते हैं, संधि के भेद देख लेते हैं हम लोग। संधि के भेद, तो संधि के तीन भेद होते हैं, पहला स्वर संधि, स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। अब एक एक के बारे में हम लोग विस्तृत से पढ़ेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं, यानी जब संधि विच्छेद करने पर हम देखते हैं कि पहले शब्द का आखिरी वर्ड और दूसरे शब्द का पहला वर्ड दोनों स्वर हैं तो उसे स्वर संधि कहेंगे, और दोनों में से कोई एक व्यंजन होगा और कोई एक स्वर होगा या दोनों व्यंजन ही होंगे तो वो व्यंजन संधि होगा। और विसर्ग संधि में पहले शब्द के अंत में विसर्ग होता है और दूसरे में स्वर या व्यंजन कुछ भी हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं स्वर संधि का। जैसे मान लीजिए हिमालय है, हिमालय, ठीक है। तो हिमालय का जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा हिम, हिम प्लस आलय। यानी यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तब भी अ है, ठीक है, और ये आ, यानी हिमालय हिम का घर, ठीक है। और क्या क्या है इसमें, म में अ है, ठीक है। जब इसमें से अ हम निकाल देंगे तो यहाँ हलंत लग जाएगा, ठीक है, और अ और आ, आ मिला करके आ। यानी ये स्वर संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण जैसे उच्चारण है, उच्चारण लिखा हुआ है तो इसका हम लोग विच्छेद करेंगे तो होगा उत् प्लस चारण। यानी यहाँ पर तो जो है आधा है इसीलिए यहाँ पर उच्चारण लिखे हैं हम लोग, यहाँ का त और नहीं है तो यहाँ त प्लस च, तो ये हो जाएगा चार, ठीक है, उच्चारण। विसर्ग का हो जाएगा जैसे मनोहर लिखा हुआ है, मनोहर, ठीक है। तो इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो होगा मनह, अह, ये विसर्ग है ना, अह प्लस हर, यानी मन को हरने वाला मनोहर, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि, तो स्वर संधि के पांच भेद होते हैं,
अब विस्तृत में पढ़ा जाएगा। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा गुण स्वर संधि। तीसरा वृद्धि स्वर संधि। चौथा यण संधि। और लास्ट है अयादि, अयादि स्वर संधि। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ संधि कि दीर्घ संधि क्या होता है। ठीक है, तो जब संधि विच्छेद करने पर पता चलेगा कि अ आ ई ई उ उ के बाद उसी के समान स्वर आए, जैसे अ के बाद अ या आ आए। ठीक है, अ के बाद यदि आ आए, अ आए या आ आए। ठीक है, ई के बाद ई आए या बड़ी ई आए। उ के बाद उ आए या बड़ा उ आए। ठीक है, यानी अ के बाद अगर अ आता है या बड़ा आ आता है तो भी आ ही बनेगा। ई के बाद ई आए या बड़ी ई आए, बड़ी ई ही बनेगा। और ऊ के बाद ऊ आए या बड़ा ऊ आए, बड़ा ऊ ही लिखेंगे। यानी जब एक समान वर्ड हो, ठीक है, यानी पहले शब्द के आखिरी वर्ड जो है वो अ हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ड जो है आ हो, तो वहाँ पर केवल आ ही एक रहेगा, इस अ का अ लुप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी अ आ ई अ आ ई उ के बाद अगर समान स्वर आता है तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होता है। इसका सूत्र भी होता है अक सवर्णे दीर्घ, यानी अ आ ई ई उ उ के बाद अगर समान वर्ण आए तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। जैसे उदाहरण में हम लोग देख लेते हैं, इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पुस्तकालय, ठीक है, इसका भी छेद करेंगे तो होगा पुस्तक प्लस आलय, यानी यहाँ अ छिपा हुआ है और यहाँ आ है, मिलाकर बनेगा आ। ठीक है, और हो गया कवि प्लस कविंद्र, कविंद्र का हो जाएगा कवि प्लस इंद्र, यानी यहां भी ई है छोटी वाली और यहां भी ई बना, मिला करके बना बड़ी ई, तो हम लोग कविंद्र में बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, और इसका उदाहरण हो जाएगा लघुर्मी, लघुर्मी, यानी इसका विच्छेद करेंगे तो बनेगा लघु प्लस उर्मी, यानी यहाँ छोटा उ और यहाँ बड़ा उ मिलाकर के बनेगा बड़ा उ, यानी समान, यहाँ यहाँ ई है तो यहाँ भी ई आया है, दो
दोनों ई मिल करके बड़ी ई हो गया, यहाँ अ है तो इसी के समान यहाँ भी आया है तो आ हो गया है, उ है तो यहाँ भी उ आया है तो बड़ा उ हो गया है। यानी अका सवर्ण दीर्घा यानी एक समान वर्ण जब दोनों में आए वहाँ पर होता है दीर्घ स्वर संधि। क्लियर है? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुण स्वर संधि।